आप देख रहे हैं सुप्रीम पावर न्यूज और आइए अब हम एक नजर डालते हैं आज की इस खास खबर पर। खबर मध्य प्रदेश के सिवनी छपारा से। कोरोना कर्फ्यू की मार झेल रहे मौसमी पैदावार करने वाले किसान, उचित दाम न मिलने से खेत में सूख रही तरबूज की फसल। एक तरफ जहां कोरोना वायरस ने लोगों के जनजीवन को झकझोर कर रख दिया, वहीं दूसरी ओर गर्मी के सीजन में फल सब्जियों की खेती करने वाले किसानों को भी कोविड 19 की मार झेलनी पड़ी। कोरोना वायरस संक्रमण के बचाव के लिए प्रशासन ने कोरोना कर्फ्यू लागू किया, लेकिन इसका सीधा असर मौसमी फलों में दिखाई दे रहा है। जानकारी के अनुसार संजय सरोवर भीमगढ़ बांध बैनगंगा नदी में बना है। डूब से खुलने वाली जमीन पर बड़े पैमाने में तरबूज की खेती होती है, जिससे किसान इस गर्मी के सीजन की तरबूज की फसल से अच्छी खासी आमदनी कर लेते थे, लेकिन कोरोना काल की मार तरबूज की खेती करने वाले किसानों पर भारी पड़ गई, जिससे किसानों को सही दाम नहीं मिल पाए। इतना ही नहीं, खेत में लगी हुई फसल को तोड़कर लॉकडाउन के चलते बाजार और अन्य राज्यों को भेज नहीं पाए, जिससे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। सुप्रीम पावर न्यूज के लिए सिवनी छपारा से फयाज खान की रिपोर्ट। मेरा नाम है कल्लू कौसले, मैं किसान हूँ। 15-16 एकड़ में मेरे तरबूज लगा है, जो यहाँ व्यापारी कुछ नहीं आ रहा है, माल पूरा सड़ रहा है। हाँ, बीज के पैसे निकलना मुश्किल है। विगत कितने वर्षों से ये दिक्कतें आ रही हैं? लगभग 3 साल हो गए। और इसके पहले आपको जो तरबूज का रेट था वो कैसा था और फसल कैसी आती थी? उस समय बढ़िया फसल भी आती थी और रेट भी अच्छे थे। और कहाँ कहाँ के व्यापारी अभी तक अपने पास आ जाते थे? जैसे बाहर दूर के, भिलाई, छिंदवाड़ा, अपने भंडारे, यहाँ के बाहर के व्यापारी आते थे। मतलब अपने यहाँ का जो तरबूज था ये 4-5 राज्यों में सप्लाई होता था? हाँ, 4-5 राज्यों।